मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राघव और बागेश्वर धाम सरकार के नाम से देश भर में ट्रेंडिंग में चल रहे दीनेंद्र शास्त्री जो लोगों को राम कथा सुनाते हैं, इनको आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये इस गद्दी पर बैठकर जो कुछ भी कहते हैं वो कुछ ही समय में पूरे देश में फैल जाता है। अभी हाल ही में इन पर आरोप लगाया गया है कि ये दिव्य दरबार के जरिए जादू टोना को बढ़ावा दे रहे और धर्म के नाम पर लोगों को लूटने के साथ साथ अंधविश्वास फैला रहे। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये जो कुछ भी करते हैं वो जादू नहीं बल्कि एक कला है। दरअसल बात यह है कि दीनेंद्र शास्त्री बालाजी के बहुत बड़े भक्त है और ये राम कथा सुनाने के साथ साथ दिव्य दरबार भी लगाते हैं, जहां पर ये इंसान की समस्या को उससे पूछे बिना ही कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए ही लोगों की मन की बात भी जान लेते हैं, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। दीनेंद्र शास्त्री इस चमत्कार के बारे में कहते हैं कि इनको अंदर से कुछ आभास होता है और ये उसे पर्चे पर लिख देते हैं और ये खुद को बालाजी के सेवक बताते हैं और कहते हैं कि इन सब चमत्कारों में बालाजी उनकी सहायता करते हैं। और सोचने की बात यह है कि जब मीडिया वाले इनके चमत्कार को एक्सपोज करने के लिए गए तब उल्टा दीनेंद्र शास्त्री ने इनको चैलेंज कर दिया और कहा कि मैं दो कागज पर पहले से ही लिख कर रख देता हूँ, तुम इन सभी लोगों में से किसी को भी लेकर आओ और तुम जिसको लाओगे इस कागज पर उसी के बारे में लिखा होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, मीडिया वाले जिसको लाए उस कागज पर उसी के बारे में लिखा हुआ था। वहीं दूसरी ओर सुहानी शाह नाम की एक इंडियन मेंटलिस्ट है जो कहती है कि दीनेंद्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक कला है जिसे हम माइंड रीड कहते हैं, जो कि इन्होंने करके भी बताया। इन्होंने एक आदमी को कहा कि आप अपने मन में एक नाम को रिपीट करते रहिए और इन्होंने उसके मन में रिपीट हो रहे नाम को बता भी दिया। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माइंड रीड करने के लिए हमारे सामने एक आदमी होना और चाहिए। उसके मन में कोई चीज बार बार रिपीट होनी चाहिए, लेकिन दीनेंद्र शास्त्री तो बिना आदमी को देखे बिफोर टाइम चैलेंज के साथ कागज पर लिख देते हैं और वही सच होता है, जो कि वाकई में एक चमत्कार है। और अभी हाल ही में इन्होंने एक कथा के दौरान हिंदू राष्ट्र की मांग भी की है। इस पर इनका मानना है कि जब इतने सारे इस्लामिक देश हो सकते हैं तो फिर एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है। पूरे देश में अभी इनके बारे में चर्चा हो रही है, न्यूज चैनल्स पर डिबेट हो रहे हैं और यहाँ तक कि पूरा देश इन्हें सपोर्ट कर रहा है और इनके साथ खड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी दीनेंद्र शास्त्री की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना।